पश्चिमी यूपी का 50,000 का इनामी अपराधी देवेंद्र यादव को गोरखपुर में एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की टीम ने कौवाबाग अंडरपास के पास घेराबंदी कर इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस दौरान अपराधी देवेंद्र यादव ने एसटीएफ के ऊपर फायरिंग भी की। गौरतलब है कि गिरफ्तार अपराधी देवेंद्र यादव पर पश्चिमी यूपी में हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। वह मूल रूप से फिरोजाबाद के कपावली पोस्ट नारखी का रहने वाला है। पकड़े जाने के बाद उसने एसटीएफ को बताया कि साल 2019 से गोरखपुर और महाराजगंज में रहकर फरारी काट रहा था। एसटीएफ ने यह कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक धर्मेंद्र कुमार शाही की अगुवाई में की है। कौवाबाग अंडरपास के पास पुलिस को देखते ही देवेंद्र ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। उसके पास से एसटीएफ को 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया गया है।